पोजिटिभ नै हो कुराहरू नि त हो, हुन्छ। भएको छ जस्तो भएको छ कि अब यहाँ त अब अरू अरूले गर्दाखेरि नै उत्यो भयो, खास हाम्रो आइडलहरूले त केही भनेको छैन नि त है। बाई बाई सबैजनालाई, हुन्छ दिदी, बाई बाई, धन्यवाद। तपाईँले पनि राम्रो कुरा राखिदिनु हो दिदी, अब यस्तै हो, पोजिटिभ हो, भाइले नभनिदिनेसम्म कुनै कुनै कुराको डिसिजन नलिउँ, सुनौँ भाइले के भन्नुहुन्छ। उहाँहरू एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ, अब सम्बन्धित अलिकति उहाँहरूले चिन्ने परिचित व्यक्तित्वहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यही भएर दुनियाँ कुराहरू मनोगणन्त कुराहरू नगरौँ होइन, आफूलाई जो मनमा जे आयो त्यो नभनौँ, मनमा जे हुन्छ त्यो नगरौँ होइन। अब सिचुएसन अर्को होला, हामीले मूल्याङ्कन अर्को गरिराखेको हुन्छौँ, त्यो कारणले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ नगरिदिउँ, राम्रो सोचौँ होइन। हुन त अब तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ पोजिटिभ पोजिटिभ, यो पोजिटिभ थट भएकोले गर्दाखेरि नै आजसम्म अलरेस रहिएको हो, त्यो भएर पोजिटिभ नै रहनु होला, जो जति हुनुहुन्छ पोजिटिभ भने पोजिटिभ रहनुभयो भने नै राम्रो हुन्छ है भन्दै। अब हाम्रो समीर तामाङ सर, तपाईँले पनि केही कुराहरू बोलिदिनुहोस् न है यही विषयमा रहेर। हुन्छ दिदी, हुन्छ, गुड नाइट, गुड नाइट दिदी, यहाँ जसवीर सिंह आउनु भएको छ, उहाँलाई तान्छु होला म। लसो फेपुल्ला, नमस्ते है सबैजनालाई, नमस्ते भाइ। त्यही त मैले अब होइन, मैले पनि अब हिजो त लाइभ हेर्न पाएन, तर बिहान चाहिँ मैले यसो उठेर हेर्दाखेरि अब सबै कुराहरू मैले हेरेँ, अनि त्यहाँदेखि अलिकति मलाई पनि कस्तो अलिकति नरमाइलो चाहिँ लागेको हो, तर मैले त्यस्तो एकदमै होइन नराम्रो चाहिँ सोचेको छैन, किनभने अब आइडलले नै भनेको छ नि होइन, जबसम्म म त्यस्तो के कुरामा होइन डिसिजन लिँदैन भने तपाईँहरू केही पनि नबोल्नु होइन, त्यही भएर हामीहरू अरूभन्दा पनि म चाहिँ एकदम त्यस्तो नेगेटिभ चाहिँ लिएको छैन होइन। अब नेगेटिभ लिने मान्छेले अब आफ्नोभन्दा पनि अहिले एकदम बाहिरबाट त्यस्तो मौका पाएको छ, त्यही भएर जबसम्म आइडलहरूले के भन्दैन तबसम्म म चाहिँ एकदम होइन चिलमा हो कि दिदी, त्यही हो ल बोल्नु है। हुन्छ, धन्यवाद सर, समय छ, तपाईँले पनि राम्रो भन्नुभयो, जबसम्म आइडलले भन्नुहुन्न तबसम्म हामीले विश्वास नगरौँ, सबैको भनाइ नै यही है, जहिलेसम्म सुरेश भाइ आएर यो हो यस्तो भन्नुहुन्न, यथार्थ कुरा के भइरहेको छ र के भएको भन्ने कुराहरू नजानिकन वायतमा त्यो मणागणन त्यो कुराहरू गरेर एलिया बहिनीलाई के अरे ऊ नगरौँ होइन, हेड नगरौँ है। म चाहिँ त्यही भन्छु, तपाईँहरू के जे गर्नु अब अनफ्लो गर्नुहोस् जेसुकै गर्नुहोस्, तर उहाँको बारेमा नराम्रो चाहिँ नगरिदिनु होला है, किनभने उहाँको योगदान धेरै छ होइन, हामीले पनि देखेका छौँ गरेछौँ होइन, उनले त्यसो भन्यो भन्दैमा दुनियाँ कुराहरू उहाँमाथि लगाएर दुनियाँ रमाइलो मनाउनु पर्ने चाहिँ मैले आवश्यकता देखिनँ, त्यही भएर राम्रो कुराहरू गरौँ, पोजिटिभ हौँ। अब यहाँ जसवीर सिंह आउनु भएको छ कि, म उहाँलाई पालो दिउँ, उहाँ पन्जा श्याम सर, म एकचोटि यसो म चाहिँ राखेर केही राखेर बरु चाहिँ म पछाडि जान्छु नि। श्याम सर, अब जे होस् यो वास्तविक त कुरा, मैले पनि म पनि अब हिजोदेखि नै अब हाम्रो लगभग अरूले सुम्ली मलेसियाको साथीहरूलाई त सबैलाई थाहा थियो, अब म पनि अलिकति बिजी थियो हिजो र आज, म एक्चुली एकदम बिजी थियो। हेर्नुहोस् यो कुरा मैले पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ अघि भर्खर चाहिँ खानासाना खाएर अलिकति काम पनि थियो मेरो, अनि खानासाना खाएर अब चाहिँ भेसिएकोपछि जब अब चाहिँ आफ्नो फुर्सदको समयमा चाहिँ हेर्दैखेरि चाहिँ मैले अब यताउता देखेँ, रिसिएकोपछि पनि मैले चाहिँ हाम्रो साथीहरूसँग चाहिँ ग्रुपमा पनि कुरा गरेँ एक दुईजनासँग, अनि के हो यताउता अनि ब्रोडतिर त यस्तो चल्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोधेँ साथीहरूसँग पनि, वास्तविक कुरो चाहिँ मैले अघि भर्खर मात्रै चाहिँ थाहा पाएँ। हेर्नुहोस् किनभने 7:30 त्यस्तै 7:45 चाहिँ मैले यो कुरा थाहा पाएँ, भइसकेपछि त्यतिखेर पनि मैले साथीहरूसँग पनि बुझेको थियो, अनि त्यही भएर पनि हामीले यो कुराहरू मैले अनि फेरि डिटेली रूपमा चाहिँ दुईतिर पनि हेरेँ, हेर्दाखेरि
सबै कुरा ठिकै छ, यति चाहिँ नेगेटिभ भइदिएको भए पनि त अब उतातिर अघि चाहिँ मैले दिदीले भने जस्तै अब आरलेस फर एभर लेखेकै छ, हामी चाहिँ त्यहाँसम्म नजाउँ साथीहरू होइन, एक्ज्याक्टली हामीले एकैचोटि डिसिजन लिनु पनि ठिक हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब कुरा राखिसकेपछि पो बल्ल हामीले थाहा पाउने कुरो भयो होइन, त्यो भएर पोजिटिभै हुँ होइन। कतिखेर हामीले खाना खाँदै गर्दाखेरि पनि त तपाईँको भातको सिरा चाहिँ अब भुइँमा झरिन्छ भनेपछि सामान्य अब यताउता भनेको भइहाल्छ होइन, एक्कासी चाहिँ हामीले डिसिजन लिनु पनि ठिक होइन जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि साथीहरू आउने परिणामलाई चाहिँ हामीले कुरम होइन, त्यहाँसम्म चाहिँ हामी अलिकति धैर्य धारण हुन पनि सिक्नुपर्छ होइन, एक्कासी हामीले जहिले डिसिजन लिनु पनि उचित छैन, ठिक हुँदैन, त्यो भएर चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हामीले यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेको छ भनेपछि हामीले अलिकति आफूले सहनशील पनि हुनुपर्छ साथीहरूलाई भन्न पनि चाहन्छु, किनकि हामी अब एक ठाउँबाट छैन, सबै देशबाट छ, साउदी, दुबई, कतार, बाह्रन, युकेदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर सबैजना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, धेरै ब्रोड छन् हाम्रो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना साथीहरू चाहिँ बरु सम्म हुनु होइन, यति लामो समयसम्म त हामी कुल भएको छौँ भनेपछि यति सामान्य अलिकति एउटा चाहिँ उसले गर्दाखेरि साथीहरूको चाहिँ मनमा चोट हुन त पुग्न त पुगिन्छ, तै पनि अलिकति सहन चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, किनकि त्यो समयलाई पनि हामीले अलिकति चाहिँ कुर्नुपर्छ होइन, वास्तविक कुरो उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छैन यस्तो हो भनेर पनि भन्नुभएको छैन होइन, जबकि त्यो आइसकेपछि उहाँहरूको मुखबाट नि अब चाहिँ भन्नुहुन्छ नि त होइन, अब यस्तो हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ, तबसम्म चाहिँ हामी बरु पोजिटिभ भएर सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन, किनकि सुरेश भाइ पनि चाहिँ अब एउटा सिङ्गरको चाहिँ स्तरले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ होइन, सबैको सपोर्टले गर्दाखेरि होइन, त्यही नै हो, त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ यति नै भन्न चाहेँ कि हामी पोजिटिभ भएर नै बस्नु होला साथीहरूलाई भन्न चाहेँ। धन्यवाद धन्यवाद रमेश सर, राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन, प्रजनी दिदी पो झर्नुभयो चाहिँ, किन झर्नुभएको प्रजनी दिदी? पुरान भाइ रिक्वेस्ट गर्नु त पुरान भाइ, तपाईँले बुलेट पनि देखेको थिएँ, बुलेट भाइले पनि गर्दा हुन्छ है, नुर डिपी लगाएको थिएँ है, अब म पाला चाहिँ अभि मे, हेलो जसवीर सिंह सर, हेलो जसवीर सिंह सर नमस्कार, नमस्कार सर, सभी के लिए नमस्कार, कैसे पाली तो नहीं आता है लेकिन नहीं नहीं आप हम लोग का बात तो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आप ऊपर में आए आपको समझ, मतलब समझ तो आता है मेरे को तो उतना थोड़ा, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल की थैंक यू, आपने ब्रॉड पे मेरे को लिया, ये एल्विस फैमिली का सबसे पॉजिटिव वो है ब्रॉड है, जहाँ पे सिर्फ अच्छी बातें मैंने सुनने को मिल रही है, नहीं तो कल से मेरे पास मेरा मेल बॉक्स भर गया है, पता नहीं क्या 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 लोग भेज रहे हैं, किसी के मैसेज भेज रहे हैं, किसी का क्या भेज रहे हैं, आई डोंट नो। मेरा तो सबसे सिर्फ इतना ही कहना है, मैं मतलब एज अ पर्सन पर्सनल मैं ये फील करता हूँ कि लाइफ और लाइफ दोनों अलग होता है, दोनों ज़िंदगी में लोगों एज अ व्यूअर हमको किसी की भी लाइफ और लाइफ में डिफरेंस रखना चाहिए, और हम दोनों का रिस्पेक्ट करते हैं, डॉक्टर का भी रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेस का भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर हम उनको ज़्यादा गाइड करेंगे, ज़्यादा उनकी लाइफ में जाएंगे तो वो प्रॉब्लम है। और मेरा सबसे जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इंटरटेनमेंट को देखो, सुरेश भाई का इतना अच्छा गाना है, वो इतना अच्छा गाना गाता है, आप इंजॉय करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, ड्यूटी से आता है आदमी, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे ब्रॉड पे देखते हैं, हमको अपना टेंशन दूर करते हैं, क्यों इतना नेगेटिविटी चल रहा है हर जगह, पता नहीं, मतलब मेरा तो पूरा मेल बॉक्स भर गया है, वो एक डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम वन गिफ्ट उसके बारे में लिखा जा रहा है, उसने ये कहा, ओके दैट्स फाइन, इट्स देयर डिसीजंस बिटवीन सुरेश डॉक्टर व्हाट एवर देयर पर्सनल लाइफ व्हाट इज गोइंग बिटवीन देम, बट हम लोगों को इतना नेगेटिव नहीं होना, पिछले 14 मंथ से हम इस फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, लेट देम टू गिव सम टाइम्स, क्या है क्या नहीं है, बैकेंड्स पे किसी को पता नहीं होता है कोई उनकी असल ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, मेरी
आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो हम उन्हें कमेंट मत करो, उनको खुश रहने दें। और कल जो ब्रॉड शाम को कुछ हुआ था, मेरे को पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, उसके फोटो आए हैं कि रात में कुछ ब्रॉड ओपन हुआ था जिसने किस रेस को डिसरिस्पेक्ट किया, ये किया, पता नहीं मुझे, तो मैंने तो देखा नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो मतलब वो भी उन लोगों को ही क्लियर करना है, ना तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, ना तो कोई कर सकते हैं। यहाँ पे फिट मैं दे दिए, इतने रिस्पेक्टेड पर्सन है, इतना रिस्पेक्ट उनका, वो लोग दोनों करते हैं, ये लोग आपस में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा। मेरा इस ब्रॉड पे आके सबके लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि बी पॉजिटिव, जब तक दोनों की बायो में देर इज अड्रेस फॉर एवर, डोंट गो नेगेटिव, डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव, दैट्स ये मेरे शब्द हैं। खुश, सबको खुश रहने दो, खुश रहने का अधिकार है, किसी की पर्सनल लाइफ में इतना मत घुस जाओ कि यार। और मैं तो उन लोगों से जो आज तक फैमिली के साथ थे, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई सुरेश और आलिया की शादी हो जाती है, व्हाट इफ दे विल अचीव, नहीं होती है देन व्हाट दे विल लूज, सो इट्स देयर पर्सनल लाइफ, व्हाट एवर दे वॉन्ट्स टू डू इन देयर लाइफ लेट देम टू डू, इन्जॉय देयर ब्रॉड। आपको अच्छा लगता है उन दोनों का ब्रॉड पर जाना, आप जाइए, नहीं लगता है छोड़ दीजिए, लेकिन नेगेटिव गलत मत बोलिए। आज तक वो अच्छे थे, अब एकदम से बुरे तो नहीं हो सकते, और उन्हें ही क्लियर करना है। अगर कुछ है भी, कोई गलत बात है या कुछ हो रहा है या किसी पर्पज़ से हो रहा है, बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने दिख रही होती हैं लेकिन पीछे कुछ और हो रहा है, तो उन चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ रिस्पेक्ट बोथ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। सुरेश भाई का तो मतलब इतना भोले हैं, इतने प्यारे हैं, मैंने तो उतना जेन्युइन पर्सन नहीं देखा, सच में बताऊँ, मतलब मुझे तो पता नहीं कि ऐसे भी लोग होते हैं संसार में कि जो इतने सीधे होते हैं, इतने शरीफ होते हैं, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर मत करो कि उनको लाइफ में प्रॉब्लम होगा, आगे भी पीछे भी समाज में, उनको इतना डिफेम मत करो उन लोगों को, बस मेरा यही है सबसे रिक्वेस्ट। और ये मतलब द बेस्ट ब्रॉड आई हैव सीन इन द सिंस मॉर्निंग, कि जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बातें आप कर रहे हो, फैमिली के लिए अच्छी बातें कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए एक दूसरे के साथ, परिवार में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ये नहीं होता कि अच्छे वक्त के लिए हम परिवार के साथ हैं, बुरे वक्त में छोड़ दो। परिवार में कभी कभी कोई गलती भी करता है, अगर गलती करता है तो उसको बड़े लोग समझा देते हैं, समझाने वाले लोग भी हैं यहाँ पे, अलरिस फैमिली में बहुत बड़े बड़े एज वाले लोग भी हैं, डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा गलत लग रहा होगा या हो रहा होगा तो डेफिनेटली वो भी उन लोगों से कंसल्ट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो परिवार में अच्छा बुरा ऊँच नीच ये सब आता रहता है, कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है, बेटा गलत हो जाए, बेटी गलत हो जाए तो परिवार से उसको निकाल नहीं दिया जाता है, उसको बाहर नहीं कर दिया जाता है, समझाया जाता है। अगर ऐसा कुछ है भी, कुछ गलती हुई है किसी के एंड पे, मैं ये नहीं कह रहा हुई है, लेकिन अगर हुई भी है तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस फैमिली में, एज वाइज, बहुत सोच वाइज, विचारों वाइज, तो वो डेफिनेटली उनके कंसल्ट में होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो बात नहीं हो रही उनमें, तो बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, आने वाला वक्त और इस फैमिली के लिए और अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच टू टेक मी ऑन दिस कॉल, थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक्स टू एवरीवन। धन्यवाद जसवीर सिंह सर, जब जो आप हमारा यूके के बोर्ड में आके इतना अच्छा बात किया आपने, इसीलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो ऑपोजिट है ना, हम लोग का आइडल का जो ऑपोजिट है, सीख लो। देखो अपना जसवीर सिंह सर हमारा नेपाल का नहीं है, दूसरों देशों से है, लेकिन कितना प्यार है। देखो प्यार कैसा करना है, इधर में कोई भी रिलीजन, कोई भी कंट्री, कोई भी कुछ भी नहीं काउंट होता है, अगर दिल से प्यार करेंगे तो कोई भी काउंट नहीं होता है इधर में। देखो कितना वो नेपाल से नहीं है लेकिन इतना प्यार करते हैं दोनों आइडल। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, र साथै यो भिडियो राम्रो लागेछ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला, धन्यवाद।